एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अगले 1.5 महीने 1 महीने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को मैं अपने शिद्दत के साथ दूंगा। तो यस, आप आराम से बच्चा अभी भी 60+ स्कोर कर सकते हो। सो जो भी आपको बैक बेंचर्स कहने वाले लोग हैं, पहले उनको तो कट कर दीजिए। थोड़ा सा हार्श हो रहा हूँ, लेकिन जो बच्चा दिल से अपने बाबा एसएसबी को फॉलो करता है, वो जानता है कि इंसान हमेशा सच ही बोलता है। याद रखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपका पक्का है तो पेपर आपको बहुत आसान लगेगा। हे बच्चा पार्टी, नमस्कार, वेलकम टू एसएसपी द फाइनेंस एंड द इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट द चैनल एंड द प्लेस वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर एन इश मोहब्बत विद फिजिक्स। सबसे बड़ा सवाल जो सारे बच्चा पार्टी के दिमाग में चल रहा है कि बाबा एसएसपी चीकू भैया प्लीज हमें बता दीजिए कि फिजिक्स का पेपर कैसा होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आखिरी समय में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे हम फिजिक्स में बहुत अच्छे स्कोर कर सकें। बहुत अच्छे स्कोर करने का क्या मतलब है कि 70 मार्क्स की जो थ्योरी की पेपर है उसमें हम कितना भी पेपर टफ हो, एटलीस्ट हम 60 तक स्कोर कर सकें आउट ऑफ 70। सो इस वीडियो के अंदर मैं मेरा पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस, जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस है, जो सीबीएसई बोर्ड के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, पेपर चेकिंग में गया हूँ, वो सारी बातें बच्चा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोग इस चैनल को लगातार देख रहे हैं, जो बच्चे नए आए हैं जल्दी से बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पर आपसे रिलेटेड जो भी फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं वो सब इस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि ये सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा है कि बोर्ड फिजिक्स का पेपर कैसा होगा। देखिए, एक अच्छा स्टूडेंट है, एक एवरेज स्टूडेंट है और एक बैक बेंचर स्टूडेंट है। अब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बैक बेंचर्स इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, भाव नहीं देता, वो बाबा एसएसपी के बच्चा पार्टी होते हैं, दिल के बहुत करीब होते हैं, लोग उनके बारे में बात नहीं करते क्योंकि पूरे साल उनको बोला जाता है कि तुम फेल हो जाओगे, तुम बेकार स्टूडेंट हो। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप शिद्दत से चैनल के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो बच्चा, तो ऐसी बहुत सारी सीरीज़ है, चाणक्य नीति 5.0 यानी 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, जिसे करके आप आराम से अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। दबंग बैच है, सब कुछ तो करवाया हुआ है चैनल पर। सो जो भी आपको बैक बेंचर्स कहने वाले लोग हैं, पहले उनको तो कट कर दीजिए और आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर लो बच्चा, आप आराम से अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं कि हमारे ये जो तीनों विद्यार्थी हैं, कभी ना कभी एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है, जो पूरे साल पढ़ा होता है, उसके भी दिमाग में ऐसा ये क्वेश्चंस आ सकता है कि सर किस तरीके का पेपर का जो है एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टीज कैसी होती है, मॉडरेट लेवल होता है या इजी पेपर होता है। इन सब सवालों का जवाब मैं समझाता हूँ बच्चा, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए, टू आंसर दिस क्वेश्चन कि पेपर का लेवल कैसा होगा, पहले जरा हम फिजिक्स के पेपर के ऊपर चर्चा करते हैं। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर जो होता है, मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके सामने सारे मुद्दे रख रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि फिजिक्स का पेपर बहुत आसान होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं कि बस डेरिवेशन आता है, तो आप गलत डायरेक्शन में हैं। सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है, खास करके फिजिक्स का, पिछले कई सालों का इतिहास है बच्चा, बच्चों को सबसे ज़्यादा डरावना लगता है। पेपर आसान होता है लेकिन बच्चों को डरावना लगता है। कैसा भी स्टूडेंट हो, वो ये बोलता है एग्जाम हॉल से बाहर निकले, भैया पेपर का जो लेवल था वो ठीक था लेकिन लेंथी पेपर था। एक तो ये आंसर आता है, या दूसरा आंसर आता है कि नहीं सर, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक था। सीबीएसई ने कभी क्लेम ही नहीं किया है माय डियर फ्रेंड्स कि वो पूरा डिट्टो टेक्स्ट बुक का पूछती है। सीबीएसई डे वन से, जब से पेपर पैटर्न बनता आ रहा है, तब से वो यही चीख चीख करके कहती है कि वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछती है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। अब जो बच्चा जेई की तैयारी करता है, जो बच्चा नीट की तैयारी करता है और जब वो बोर्ड की प्रिपरेशन करता है, तो उसके लिए फिजिक्स बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरे साल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे होते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए होते हैं, जिसके वजह से उनको पेपर आसान लगता है, लेकिन जहाँ थ्योरी होती है वहाँ टफ लगता है। वो स्टूडेंट जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके लिए तो एप्लीकेशन दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। वो बच्चे सिर्फ डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो देखो, आप जैसे तैसे पास तो हो जाओगे, लेकिन ईमानदारी से बताऊं तो बहुत अच्छे मार्क्स तक आने में डिफिकल्टी होगी। तो अब हम क्या करें, ये होप छोड़ दें? हम आखिरी समय में भैया ये मान ले बाबा एसएसपी के हम मार्क्स लेकर के नहीं आ सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अगर आप अभी से मेहनत कर लोगे, स्टिल वी हैव चांस। 20-25 दिन बचे हुए हैं बच्चा, और फिजिक्स की एग्जाम में भी केमिस्ट्री की एग्जाम के बाद 4-5 दिन का समय है। सो दबा करके आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए बहुत अच्छा कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे लेवल ऑफ डिफिकल्टी का, या पेपर का पैटर्न कैसा होगा, जिसे मैं समझाने की कोशिश बार बार कर रहा हूँ। तो देखिए, आपके फिजिक्स के पेपर में एमसीक्यू आता है, असर्शन रीजन होता है, केस स्टडी क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल होता है, डेरिवेशन एक आध दो होते हैं, एंड थ्योरी होता है। इनमें से सबसे ज्यादा क्या होता है, आप वीडियो को यहीं पर रोक करके कमेंट करके मुझे जवाब दो।
ये जो आपके फिजिक्स के पेपर में होगा, इनमें से जो भी पैटर्न है इसके अंदर से सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होगा पेपर के अंदर? डेरिवेशन और थ्योरी, आप गलत डायरेक्शन में हैं। ये बहुत कम होता है, एक दो सवाल होंगे जो डायरेक्ट डेरिवेशन होगा, एक दो सवाल होगा जो थ्योरी पर बेस्ड होगा, यानी 3 से 4 मार्क्स। बाकी पूरा का पूरा बच्चा जो है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट पक्के होंगे। अब कॉन्सेप्ट पक्का करने के लिए हमारे पास क्या एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बचा है उन बच्चों के लिए जो लास्ट लास्ट में जागे हैं और सोच रहे हैं कि अब हम उखाड़ के फेंक देंगे, या बहुत सारे मोटिवेशनल बाबा लोगों की बातें सुन रहे हैं, या बहुत सारे ज्ञानी भैया दीदी लोग तो यहाँ यूट्यूब पर भरमार पड़ी हुई है ना, जो पढ़ाते कम है लेकिन सिर्फ ज्ञान देते हैं, और सारे बच्चे बस एक बार देखते हैं तो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं कि नहीं चलो अब यहाँ पर बोला गया है, इतने सारे लोग देख रहे हैं तो जरूर यहाँ से कुछ हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चा आपको इस भंवर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है, कोई चीज़ निकाल सकती है, कोई एक व्यक्ति निकाल सकता है बाबू, तो वो तुम खुद हो। तुम अगर कॉन्सेप्ट को ढंग से सीख नहीं रहे हो तो ये उम्मीद छोड़ दो कि तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थोड़ा सा हार्श हो रहा हूँ, लेकिन जो बच्चा दिल से अपने बाबा एसएसपी को फॉलो करता है वो जानता है कि इंसान हमेशा सच ही बोलता है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम क्लियर कट। झूठ बोलना फितरत में नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चा कॉन्सेप्ट ही है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो ये आप जान लीजिए कि MCQs, assertion, reason, case study, numerical, ये अगर आप ढंग से करते हो, इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत इम्प्रूव होना चाहिए, और अगर कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर लेते हो तो यस, आप आराम से बच्चा अभी भी 60+ स्कोर कर सकते हो, और अगर आप कॉन्सेप्ट और इसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। मैं आपसे एक बात बताता हूँ बच्चा, अभी भी आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैंने अभी कुछ 15-20 दिन पहले ही निकाला था। उसमें पार्ट 1 ऑलमोस्ट खत्म है, पार्ट 2 लाइव चल रहा है। उन बच्चों के लिए है जो लास्ट लास्ट में फिजिक्स को वाकई सीखना चाहते हैं। लगभग 300 से 400 विद्यार्थी हैं इस कोर्स के अंदर बाबू, और सारे के सारे बच्चे वो बोल रहे हैं कि सर काश आप हमें पहले मिले होते। कोर्स की प्राइस बहुत ही मिनिमम है, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आज भी आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, प्लस लाइव क्लासेस आगे के 10 दिन तक मैं हूँ, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट 100% पक्का होने वाला है, ये मेरी गारंटी है बच्चा। सिर्फ इतनी बात याद रखना कि आपको मेहनत करनी है, ठीक है? तो ये चीज़ आप अपने जहन में बिठा करके रख लो कि अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा नहीं करोगे तो पेपर आपको बहुत टफ लगेगा, फिर आप गरियाओगे, गाली दोगे जिससे भी आप पढ़ रहे हो, या वही दीदी भैया जिसकी बातें आप सुन रहे थे कि सिर्फ डेरिवेशन करके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप उन्हीं को गरियाओगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये होता है, हमने देखा है कि या आप तो बोल रहे थे ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा ऐसा आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं आया। याद रखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपका पक्का है तो पेपर आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पक्का नहीं है, पेपर हमेशा फिजिक्स का टफ ही लगता है बच्चों को। बात इतनी क्लियर हो गई, ठीक है? सो अब हमें क्या करना है, वो बच्चे जो अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करना चाहते हैं, बैच है अवेलेबल, आप ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो चैनल पर दुनिया भर की वीडियोस पड़ी हुई है इसी प्लेटफॉर्म पर, आप बस दबंग बैच देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो बच्चा। दबंग बैच आप देखोगे ना, या चाणक्य 5.0, तो आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगी, और जब आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगी तब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अभी भी हमारे पास समय है। जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब ये सवाल जहन में आता है कि भैया फिर कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, क्या करें और क्या ना करें। मैं उसका भी जवाब इस वीडियो के अंदर देता हूँ, चलिए आपको समझाता हूँ बच्चा। अब बहुत ध्यान से इन बातों के ऊपर आप फोकस कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, बहुत ही मिनिमम बातें आपके सामने रख रहा हूँ, एक्सपीरियंस के बेसिस पर कह रहा हूँ। अगर आप इन पर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। वो बच्चा पार्टी जो ये करने वाला है प्रतिज्ञा कि यस बाबा एसएसपी, चिक्कू भैया, रॉकी भैया, हम करेंगे, तो बस कमेंट कर देना वीडियो को रोक करके। सबसे पहली बात को आप लोगों को अगले 20 से 25 दिन आपके पास जो भी समय बचा हुआ, आई अंडरस्टैंड आपकी प्रैक्टिकल की एग्जाम चल रही है, आई अंडरस्टैंड आप लोगों के अभी जो है बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है यार कि रिजल्ट चाहे जो भी होगा, आई एम अ फाइटर और मैं लड़के देखूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अब आप यहाँ पर यह सोचना बंद कर दो कि मेरे पास बहुत कम समय, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, वो रोतड़ू टाइप अपने को नहीं बनना है बच्चों, है ना? एक स्टूडेंट होते हैं ना, मेरे को ये भी प्रॉब्लम है, मेरे को वो भी प्रॉब्लम है, भैया मैं ये भी कर सकता हूँ क्या, वो भी कर सकता हूँ क्या, नहीं कर पाओगे आप ऐसे। पहले तो रोना धोना बंद करो और जंग की तैयारी करो। जंग क्या है? CBSE बोर्ड एग्जाम। तो हमें कैसे लड़ना है? अपने पूरे ताकत के साथ। जैसे एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोटेंशियल का सामना करने जब जाता है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर वाले चैप्टर में,
तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगाता है ना, तभी तो फॉर्मूला बनता है यार, ईवी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। अभी अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए, आप भले एकदम कमजोर हो सुपुत्ती लाल हो, लेकिन आप फिर भी देश के लिए लड़ पड़ोगे, मैं लड़ूंगा। वैसा ही कुछ मान लो कि ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ोगे। जब आप ऐसा सोच लेते हो कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ोगे, तब आपके सामने ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, जो मन आपका क्रिएट करता है कि मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मेरे से उठा नहीं जाता, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं क्या करूँ सर, ऐसा है वैसा है सर, मैं पबजी खेलता हूँ, तो इन सबसे आप बाहर आ जाओगे। एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अगले 1.5 महीने 1 महीने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को मैं अपने शिद्दत के साथ दूंगा, तो ये सारी बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ देखिए, मैंने सबसे पहले पॉइंट पर लिखा है आपको 2.5 घंटे की डेली सेल्फ स्टडी करनी है। बहुत सारे बच्चे, कल हमारे ऑफिस में भी एक पेरेंट्स आए थे और वो यही कह रहे थे कि सर आप जितना यहाँ पर पढ़ाते हो उसके बाद फिर ये घर पे जाता है, करता नहीं है। इतने करने के बावजूद भी ये 70 में से 50 मार्क्स स्कूल के प्री बोर्ड में लेकर के आ रहा है, पूरे साल कुछ पढ़ा नहीं था। सर अगर ये 50 ला रहा है तो सर ये 70 भी ला सकता है, लेकिन ये घर पे पढ़ता नहीं है। अब वो बच्चा मेरे सामने बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो बोला सॉरी सर मैं आज से करूँगा। मैंने कहा बेटा बहुत कम दिन बचे हुए हैं, अगर तू 50 स्कोर कर रहा है तो सिर्फ मुझसे पढ़ के जाता है, तुझे लगता है मैंने पढ़ लिया, तो जस्ट इमेजिन कि अगर तू अच्छे से करने चला जाएगा तो फिर तो क्या होगा, तू अच्छे स्कोर कर सकता है। यही चीज़ आप लोगों को भी करनी है। आप एक्स वाई जेड किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक्स वाई जेड किसी भी चैनल से अपनी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको फिजिक्स जहाँ से समझ में आता है, मैं नहीं कहता आपको मुझसे ही पढ़ना है, वो ज्ञान जहाँ से मिले, जहाँ से आपको मजा आ जाए, बच्चा फील आ जाए, वहाँ से पढ़ाई करिए। इस चैनल के विद्यार्थी हो तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आपको फिजिक्स में मजा आना चाहिए, आपको फिजिक्स में फील आना चाहिए। अगर आपको फिजिक्स में फील आ रहा है तो सब कुछ बढ़िया है ना, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि टीचर ने जो मुझे पढ़ाया और वो जो मैंने पढ़ाई करी वो मेरा 1 घंटा काउंट हो गया या मेरे फिजिक्स में 1.5 घंटे काउंट हो गया। यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, क्योंकि टीचर ने तो आपको सिर्फ पढ़ाया, यानी टीचर ने आपको सिखाया कि ये क्वेश्चन को ऐसे, इसमें ये डाउट है तो इसका सोल्यूशन ये है, बट जब तक आप घर पर जा करके उसका अभ्यास नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे प्यारे बच्चा, तब तक तो रिजल्ट आने वाला नहीं है ना। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ स्टडी करो। अब सेल्फ स्टडी का टाइम फिक्स निर्धारित कर लो 2.5 घंटे। यार हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, हम उठेंगे ही नहीं 2.5 घंटे से पहले नहीं उठेंगे। हाँ वी कैन हैव अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट, पानी पी लिया, वॉशरूम चले गए, ठीक है, बट 2.5 घंटे तो एटलीस्ट हम फिजिक्स को लेकर के जा ही सकते हैं। मैं डंके की चोट पर एक बात कहना चाहूंगा, जो बच्चा इस चैनल से पढ़ रहा है ना फिजिक्स, बहुत सारे देखो यहाँ पर उल्टा सीधा भी बोलेंगे, बच्चा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पता है 1000 में से अगर 999 लोग मुझे नफरत करते हैं ना, तो मुझे पता है किसी एक बच्चे की SSP के लिए जो मोहब्बत है वो इतनी भारी है कि 999 की नफरत पर भी भारी पड़ जाती है। तो मुझे पता है बच्चा बहुत सारे बच्चे प्यार भी करते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस चैनल से पढ़ता है ना उसको फिजिक्स से वाकई प्यार है, ये मेरी गारंटी है। और अगर नहीं है तो आप 3-4 लेक्चर देख लो, यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। तो 2.5 घंटे तो इजिली आप बैठ सकते हो, ये इंसान 1.5 घंटे में चैप्टर आपको पूरा करा देता है, पता भी नहीं चलता किसी बच्चे को कि यार हमने पूरी NCERT कर डाली, आपके बाबा SSP ने सब करा रखा है। तो आप 2.5 घंटे का फिक्स स्लॉट बना लो। अगर मैं 3 से 4 घंटे खड़े होकर के 1-1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ पूरा सब पॉइंट्स के साथ, तो आप पढ़ नहीं सकते 2.5 घंटे बैठ के, पढ़ सकते हो ना। तो 2.5 घंटे का फिक्स सेल्फ स्टडी का टारगेट रखो, अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग, अपार्ट फ्रॉम योर प्रैक्टिस और व्हाटएवर यू आर डूइंग, बट यू हैव टू स्टडी 2.5 आवर एवरी डे। अब उसमें बच्चा 2 घंटा ना आप अपने NCERT को दे दो। मैंने पहले ही कहा क्या मैटर करता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट कहाँ से पक्का होगा, NCERT से, ना कि अलग किताब से। और NCERT लाइन बाय लाइन दबंग में पढ़ा है, जो बच्चे हमारे बैच 0 to 0 को ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी मजा आ जाएगा, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं तो दबंग बैच फ्री है, बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो दबंग बैच फ्री है, या आप कह दीजिए हमारा चाणक्य 5.0 4.0 सब YouTube पर अवेलेबल, आप देखो तो सही। तो आप 2 घंटे ना पूरा NCERT को दीजिए बच्चा, और 30 मिनट की आप राइटिंग प्रैक्टिस मारो। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट सर, राइटिंग प्रैक्टिस WP इज इम्पॉर्टेंट, नो यस मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप लिखोगे नहीं ना आपको आइडिया नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स है तो मेरे को कितना लिखना है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चंस कौन से आते हैं, तो इसके लिए आपके पास मार्केट में मुझे पता है बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, कोई भी एक किताब रेफरेंस बुक पर L-Arora टाइप जो बुक होती है, या गेज टाइप होती है, या TG टाइप होती है, आई कैन नॉट से द फुल नेम अदरवाइज लगेगा कि पेड प्रमोशन है, बट मैं हर बुक को अच्छा कहता हूँ, जो बुक आपको दीवाना बना दे वो चीज़ अच्छी है।
करेक्ट, आप मेरे हैंड रिटन नोट्स को रिफ़र कर सकते हैं, लिंक जो है टेलीग्राम का, जिस पर बहुत सारे चैप्टर, सारे चैप्टर्स के मेरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है यार, उनसे पढ़ लो, उनमें देखो कि मैंने कैसे कैसे क्वेश्चंस कराए हैं, फोकस ऑन दैट, राइट। तो 30 मिनट की आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, 3 मार्क्स का सवाल है तो किस तरह से लिखा गया है, 2 मार्क्स का सवाल है तो किस तरह से लिखा गया है, या आपने 2 घंटे में जो पढ़ा उसको एक बार फटाफट लिख लो, अच्छा डेरिवेशन ऐसे आया था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। और जब आप पढ़ो ना बच्चा, तो देखो पढ़ाई करते वक्त ना आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जैसे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो σ/2ε0 बच्चे बोल देंगे गलत है, कैपेसिटर के 2 प्लेटों के बीच में फॉर्मूला नहीं लगता, ये लगता है σ/ε0। अब इसे भी बच्चे रटते हैं, रटो मत, समझो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ऐसे याद करो, ε0 परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, फिर इनकी वैल्यू कितनी है वो याद करो, फिर ये कब लगेगा, दोनों प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिल रहा है, ये किसी एक प्लेट की वजह से मिल रहा है। जब आप ऐसे पढ़े हो तो फिर मुझे इतना बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, या आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। बट जब बच्चे ऐसा नहीं पढ़ते हैं ना, तब प्रॉब्लम आती है बाबू, समझ गए, ठीक है। तो 30 मिनट की राइटिंग प्रैक्टिस मारो, और जितना हो सके उतना बच्चा सैंपल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई नो यू हैव दैट सैंपल पेपर, आप जितना ज़्यादा बच्चा सैंपल पेपर के ऊपर प्रयास करोगे, नए नए क्वेश्चंस देखोगे, आपको आइडिया आएगा। देखो थ्योरी तो कुछ भी नहीं होता, और डेरिवेशन भी कुछ नहीं होता, डेरिवेशन और थ्योरी तो इस चैनल पर दुनिया भर के अच्छे से हम लोग एक वीडियो के अंदर लगभग 1 मिलियन बच्चे जो है उसको पसंद कर चुके हैं, पूरा का पूरा जो है chapter 1 से लेकर के chapter 14। आप मुझे अभी खड़ा कर दोगे, मैं इसी वीडियो में फट से chapter 1-14 पढ़ा दूंगा, पढ़ा चुका हूँ यार। आप अगर डेरिवेशन देखना चाहते हो तो देखो, तो उसमें ही आपको मजा आ जाएगा, आप वही ढंग से करके चले जाओगे तो एटलीस्ट यू विल स्कोर द पासिंग मार्क्स, टच कर जाओगे आप, है ना। तो थ्योरी डेरिवेशन कुछ नहीं होता है, ये अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको पता है अरे बहुत इजी तरीके से बाबा असेसमेंट समझा दिया। अब बात आती है कि कैसे कैसे सवाल आते हैं, हमें उनके ऊपर फोकस करना है, ये आपको पता चलेगा सैंपल पेपर के थ्रू। फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, कुछ FYQs लगाइए, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। अब फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं इन्हीं से पता चलेगा। तो इसके वीडियो के जो लिंक हैं, जो बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट है, जैसे कि चाणक्य 4.0, 5.0 एंड साथ ही साथ chapter 1-14, वो मैं आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट में पिन कर देता हूँ, आप देख लो, तो वहीं से आपको ये भी आइडिया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन CBSE पूछती है। मेरे तमाम वीडियोज़ के अंदर मैं हमेशा सिखाता हूँ बच्चों को कि कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, और इस कॉन्सेप्ट का ऐसा सवाल आता है। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक फिजिक्स ईजी फॉर ऑल माई बच्चा पार्टी, एंड मुझे लगता है भगवान जी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, वो उनके ईश्वर के उनके आशीर्वाद से ऐसा है कि बच्चे जो है चैनल को पसंद करते हो, इतना प्यार करते हो, और लोगों को फिर से मज़ा आता है। ये बात अलग है कि उनको बात बहुत देर से पता चलता है कि यार देयर इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, गॉट द पॉइंट। इतनी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपका फिजिक्स का रिविज़न बहुत नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, और अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप इसी अप्रोच को फॉलो करना। 2.5 घंटे की डेली रीडिंग, 30 मिनट की, 2 घंटे का आपका NCERT, आपका 30 मिनट का राइटिंग प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड फ्यूचर ईयर के क्वेश्चंस। ऑब्वियसली इफ यू वॉचिंग द वीडियोस यू विल गेट टू नो कि किस तरह के सवाल CBSE पूछ सकती है। आई बात समझ बच्चा? इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बाबू, फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, डेफिनेटली अगली वीडियो उसी पर हो जाएगी। आपको जिस विषय पर भी चर्चा करनी है आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, फॉर SSP विद्यापीठ सेंटर। मैं एक बार फिर से ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया है कि सचिन सर ने विद्यापीठ, कुछ बच्चों ने प्यार भी दिया, बिकॉज उनको पता है कि विद्यापीठ इज़ नॉट, आई एम नॉट कॉपिंग, डूइंग अ कॉपी फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट। वी ऑल हैव अ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द इंस्टीट्यूट, फॉर ऑल द टीचर्स। मैंने कॉपी कुछ नहीं किया यार, विद्यापीठ एक संस्कृत शब्द है और वो ऑलरेडी बहुत जगह पर यूज़ होता है। हमारे शहर में ही एक बहुत बड़ी स्कूल है, उसके नाम के पीछे विद्यापीठ है। तो आप जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ने वहाँ से उठाया है, जिस इंस्टीट्यूट का आप नाम ले रहे हैं, ऑनलाइन बड़ी एडटेक कंपनी है, कि सर ने वहाँ से किया है, तो मैं बोलूँ उस एडटेक कंपनी का जन्म अभी 2-3 साल पहले हुआ है, बट जो मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ वो 25 साल से है। तो बहुत सारे हैं यार, और भारत में अगर विद्यापीठ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, है ना। तो एक आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि ये बड़ा सा एटेक वाला विद्यापीठ, तो चलो एक SSV विद्यापीठ भी है। सूरत शहर में SSV विद्यापीठ ओपन हुआ है बच्चा, जो भी बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑनलाइन सब कुछ फ्री है, एंड ऑफलाइन जब आप आएंगे तो उसका एक मिनिमम फीस है। और एक सबसे बड़ी बात होगी, मेरे बैच जहां पर भी ऑफलाइन होते हैं वहां बाबा SSP स्वयं पढ़ाते हैं,
ठीक है। एंड एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात, भीड़ नहीं फील मिलेगा, ओनली 20 स्टूडेंट्स पर बैच। सो जो भी विद्यार्थी सूरत शहर का है वो आ सकता है SSV विद्यापीठ पर मुझसे पढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप जो है प्यारा सा जो है बच्चा रिव्यू जरूर दीजिएगा SSV विद्यापीठ को, आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एंड हम लोग बहुत नज़दीक हैं 1 मिलियन के, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले तक भगवान ने चाहा, प्रभु श्री राम ने चाहा तो जरूर पहुंच जाएंगे। तो ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा, गूगल पर रिव्यू भी कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा जितने भी प्यारे विद्यार्थी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।